इसलिए पलटिए अपने रब की तरफ। और आप भी सुनिए जितने आम मुसलमान हैं, अगर किसी शादी में नाच गाना हो रहा है मुसलमान की और शराब पी के कोई आ रहा है, ढोल बजा के बारात आ रही है, आप अगर उसमें शामिल हैं तो आप गुनहगार हैं। मैं फतवे नहीं अक्सर देता, लेकिन ये मसला आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं है। रसूलुल्लाह ने सादगी से निकाह का हुक्म दिया। फरमाया मस्जिद अब्दुर्रहमान बिन औफ जलीलुल कदर सहाबी अरबों पति आदमी, रसूलुल्लाह ने फजर में पूछा अब्दुर्रहमान ये कपड़ों पे लाल रंग का दाग लगा, फरमाया या रसूलुल्लाह रात मेरा निकाह हुआ था तो मेहंदी लग गई थोड़ी सी। कुछ नहीं कहा रसूलुल्लाह ने कि हमें नहीं बुलाया, फलां को नहीं बुलाया, तो रस्मों में पड़ गए जी, फलाने भाई को ले आओ, फलाने चाचे को ले आओ, मासड़ को ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और ये जो छुप छुप के तुम्हारी औलादें जिना कर रही हैं कभी इनकी तरफ भी देखो, इनकी तरफ भी देखो, खुदा के वास्ते उन तमाम रस्मों को छोड़ दीजिए। और इस जज्बे के साथ छोड़ना कि हम मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इस गलत काम में साथ नहीं देंगे, करेंगे जी इंशाअल्लाह, इन मौलवियों को नहीं बाकी लोग भी। अगर कोई चौधरी अपने बल पे, उसकी औलाद अपने बल पे बाजा बजवाना चाहती हो तो बजाने दो, उसका निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं है जब तक तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल से